हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम करने वाले हैं रेजिन आर्ट। आज हम किचन में मार्बल इफेक्ट का यूज़ करने वाले हैं रेजिन के साथ। तो यहाँ पर मैंने अपना मोल्ड लिया है लेटर वाला, इसको हम टेप की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जो भी इसके अंदर डस्ट होगी वो हमारा टेप के ऊपर आ जाएगी, तो ये हमारा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने तीन पार्ट में रेजिन को डिवाइड किया है। रेजिन मैंने पहले से मिक्स करके रखा हुआ है, फिर ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो यहाँ पर मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया है अपने प्लेन रेजिन को। इसके बाद आप जिस कलर से मार्बल इफेक्ट देना चाहते हैं उस कलर को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं तीन कलर का यूज़ कर रही हूँ, गोल्डन कलर का, ब्लू कलर का और वाइट कलर का। जब भी हम कोई इफेक्ट देते हैं तो वाइट कलर का यूज़ ज़्यादा करते हैं, वाइट कलर हैवी होता है तो उससे हमारा पैटर्न क्रिएट होता है। तो यहाँ पर मैं वाइट, ब्लू और गोल्डन तीन कलर का यूज़ करके मार्बल इफेक्ट क्रिएट करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कलर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर एक अलग से एक बाउल लिया है। आप कोई भी कंटेनर यूज़ कर सकते हैं या फिर अगेन ग्लास यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम वन बाय वन करके कलर को डालेंगे। जैसे पहले मैंने वाइट कलर डाला है, उसके बाद हम थोड़े से स्पेस पे ब्लू कलर, उसके बाद हमने गोल्डन कलर डाला है। अब अगेन हम ऐसे ही कर करके एक पैटर्न इस बाउल के अंदर क्रिएट कर लेंगे। आप मेज़रमेंट कप जो आते हैं फिलिंग वाले उसका यूज़ भी कर सकते हैं या फिर कोई प्लास्टिक का वेस्ट कंटेनर भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इजी आइडिया है मार्बल इफेक्ट क्रिएट करने का। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। फ्रेंड्स, वन बाई वन करके मैंने यहाँ पे तीन से चार लेयर अपने तीनों कलर की इसके अंदर डाल दी है। अब इसके अंदर हम इसको मोल्ड में फिल करेंगे। आज हम दो पैटर्न से मार्बल इफेक्ट क्रिएट करेंगे। एक हमने इसके अंदर पहले इफेक्ट बना लिया है, अब हम इसको मोल्ड के अंदर डालेंगे। एक हम डायरेक्ट ही कलर डाल के मार्बल इफेक्ट क्रिएट करेंगे। आपको जो पैटर्न अच्छा लगे आप उसको यूज़ करके अपना किचन रेडी कर सकते हैं। अब हम इसको मोल्ड के अंदर फिल कर देंगे। हम कोशिश करेंगे एक कोने से ही लगातार हम रेजिन को डालें और वो अपने आप ही हमारे मोल्ड में फिल हो जाए, उससे हमारा ज़्यादा अच्छा मार्बल इफेक्ट क्रिएट होगा। अब हम सेकंड पैटर्न यूज़ करेंगे। हम डायरेक्ट इसमें वाइट कलर फिल कर रहे हैं, उसके बाद मैं इसमें डायरेक्ट ही पोर कर रही हूँ ब्लू कलर, और ऐसे ही करके हम वन बाय वन करके इसके अंदर भी कलर पुट कर देंगे। यहाँ पर मैं गोल्डन कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो मैंने थ्री पार्ट में गोल्डन कलर डिवाइड किया था वो फिनिश हो गया था। तो यहाँ पर मैं केवल दो कलर का ही यूज़ कर रही हूँ, एक ब्लू और एक वाइट। इन दो कलर से ही मैं यहाँ पर मार्बल इफेक्ट क्रिएट करूँगी।
फ्रेंड्स, अब हमारा ये रेडी हो गया। अब हम इस पर कर देंगे बबल स्प्रे और क्योरिंग के लिए हम इसको छोड़ देंगे क्योर होने के लिए 7 से 12 घंटे के लिए। सात से बारह घंटे के बाद अब हम इनको डीमोल्ड करने वाले हैं। और फ्रंट इफेक्ट बहुत ज़्यादा सुंदर आया है, आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर मार्बल इफेक्ट क्रिएट हुआ है दोनों ही पैटर्न से। तो आपको जो पैटर्न इजी लगे आप उस पैटर्न का यूज़ करके मार्बल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वन बाई वन मैं आपको शो कर रही हूँ इमेजेस, आपको जो पैटर्न अच्छा लगे आप उससे मार्बल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं। अगर आप ट्यूटोरियल को देख के कुछ बनाते हैं तो फिर आप मुझे इमेज अपनी शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आई होप आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, साथ ही पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।